IVM हंस वाणी, हंस कथा मासिक, अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है अनघा जोगलेकर की कहानी ए जमूरे हाँ उस्ताद, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। दरवाजे पर कोई है शायद, मां पिताजी से कह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी सुनकर भी अनसुना क्यों कर रहे थे। दरवाजे पर से आती आहट जो पहले सिर्फ थपथपाहट थी, वो खटखटाहट से होती हुई अब चीख में बदल चुकी थी। मेरे पिताजी बहुत रसूखदार थे, सभी धर्मावलंबी उनका बहुत मान सम्मान करते थे। चाहे किसी का मुंडन हो या खतना, किसी का ब्याह हो, निकाह हो या वेडिंग, पिताजी के जाए बिना पूरा नहीं होता था। कोई कितनी भी मुश्किल में हो, पिताजी उस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। इसलिए हमारे घर हमेशा लोगों का हुजूम लगा रहता था। फिर भी आज पिताजी दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जो मेरी समझ से बाहर था। हमारे बड़े से घर में पहली मंजिल पर मेरा कमरा था, जिसे मैंने बड़े करीने से सजाया हुआ था। कमरे में एक तरफ कपड़ों की अलमारी थी, दूसरी तरफ किताबों की। एक दीवार से सटा मेरा पलंग, जिस पर हमेशा रंग बिरंगे फूलों के प्रिंट की चादर डली रहती। और हाँ, कमरे में एक कोने में मैंने एक झूला भी टांग रखा था। सामने वाली दीवार पर एक गोल आईना था और थी दीवार पर लटकी एक थर्मोकोल की तख्ती। लेकिन मेरे कमरे तक आने वाली सीढ़ियां बाहर से थी। यही एक कमी थी घर के नक्शे में। किचन से निकलकर बाहर आंगन में जाकर फिर सीढ़ियों पर चढ़कर मेरे कमरे तक जाना होता था, जो घर वालों के लिए तकलीफ का सबब बना हुआ था। वहीं बाहर से कोई भी आसानी से पहली मंजिल की छत पर आ सकता था। मां अक्सर पिताजी से कहती, तुम सीढ़ियों का मुंह घर के अंदर करवा दो, एक तो बिटिया का कमरा ऊपर बना रखा है, ऊपर से वो जवान जहान कोई गेट फांद कर सीधे उसके कमरे में पहुंच गया तो हमें पता भी ना चल पाएगा। पिताजी हंसकर सीना ठोक कर कहते, किसमें इतनी हिम्मत है जो चोरी छुपे छत पर पहुंच जाए, वो मेरी बेटी है, मेरी। मैं अपने कमरे में रहती तब नीचे क्या हो रहा है और क्या नहीं, मुझे पता नहीं चलता। उस दिन भी दरवाजे पर होने वाली आहट पहले तो मुझे सुनाई ही नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे आहट बढ़ती गई, मेरे कमरे में दीवार पर लगी थर्मोकोल की तख्ती हिलने लगी। उसके हिलने से एक अजीब सी आवाज कमरे में भरती जा रही थी। उस आवाज में और उस झूलते थर्मोकोल के बीच मेरी आंखें पेंडुलम हो गई। मैं जैसे उस पेंडुलम से सम्मोहित हो किसी और ही समय में पहुंच गई। कई चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए। वो बचपन का साथी दीपू, वो हमारा गिल्ली डंडा और पिट्ठू खेलना, वो अमरूद का पेड़ और उस पर चढ़ते हुए फिसलकर गिरती मेरी सहेली सुरुचि। सुरुचि का गोरा रंग ऐसा था जैसे रोज दूध से नहाती हो, बड़ी बड़ी काली आंखें और उस पर लगा चश्मा, जिसके कारण हम सब उसे चश्मिश चिढ़ाया करते थे। चश्मिश सुनते ही वो खेल अधूरा छोड़कर भागती तो हमारी हंसी उसका पीछा करती। आज सुरुचि का चेहरा सामने आते ही मेरे नाभि के इर्द गिर्द कुछ अजीब सा दर्द होने लगा। पिछली बार हुए दंगों के बाद सुरुचि ने खुदकुशी कर ली थी। उससे आखिरी बार मिलने की मेरी इच्छा भी अधूरी रह गई थी। जब तक माहौल थोड़ा ठीक होता और मैं उससे मिलने जाती, तब तक वो खुदकुशी कर चुकी थी। तब उसकी खुदकुशी का कारण मैं ना जान पाई थी। अचानक मेरी आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया, दो उघड़ी टांगे और उनके बीच से बहता खून, जो अब जमकर थक्का बन चुका था। अब उन टांगों पर धड़ चिपक चुका था। मैंने थोड़ा और ऊपर देखा तो उघड़ी छाती पर सुरुचि का चेहरा। आह! लेकिन मैं तो सुरुचि को आखिरी बार देख भी ना पाई थी। फिर
दंगों के बाद की मेरी खुदकुशी से भी तुझे पता न चला मेरी मौत का कारण। आज उसकी हंसी मेरा पीछा कर रही थी। मैं सहर उठी। सुरुचि की खुदकुशी के कुछ दिनों बाद जब मां के साथ मैं उसके घर मातमपुरसी पर गई थी, तब उसकी मां ने हमें घर के अंदर दाखिल न होने दिया था। रोते हुए चीखी थी हम पर, अब क्या लेने आए हो यहां? क्यों आए हो हमारे घर? बर्बाद कर दिया मेरी फूल सी बच्ची को। उसी समय क्यों ना मार दिया उसे। कटे फटे शरीर के साथ कैसे दिन गुजारे होंगे उसने। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं सब सुनकर भी शायद कुछ समझ ही नहीं पाई थी या समझना नहीं चाह रही थी। लेकिन उसके बाद कितने दिन, कितनी रातें मैंने खौफ में निकाली थी। हर वक्त सुरुचि का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता, जवाब मांगता सा। क्योंकि सुरुचि के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार थे। फिर जैसे समय का पर्दा पड़ गया था सुरुचि की याद पर, हम सब अपनी जिंदगी में रम गए। लेकिन आज फिर वैसी ही थपथपाहट थी दरवाजे पर। दरवाजा वैसे ही हिल रहा था जैसे उस दिन हिला था जब सुरुचि के पापा दंगाइयों से सुरुचि को बचाने के लिए पिताजी से मदद की गुहार लगा रहे थे और पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला था। तो क्या आज फिर कोई किसी और सुरुचि के साथ? नई चीखों के साथ पिछले दंगों की चीखें भी मेरे कानों में घुसने को आतुर थी। मैंने अपने कान जोर से भींच लिए। इस बार भी पिताजी ने माँ को दरवाजा खोलने से रोक दिया था। तब सुरुचि के पिता मदद मांगने आए थे। आज न जाने किस सुरुचि या आबिदा के अब्बू या भाई दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन आज फिर पिताजी ने माँ को दरवाजा खोलने से रोक दिया था। पिताजी जैसा रसूखदार इंसान भी दंगाइयों से डरकर, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। शहर में दंगा फैला हुआ था। पिताजी ने मुझे मेरे कमरे में जाने से मना किया था, पर कॉलेज का कुछ जरूरी काम था जिसके लिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। वैसे भी रात में 9 बजे के बाद भैया और पिताजी छत पर आकर बैठने ही वाले थे। इन दिनों छत का रूप बदला हुआ था, सिर्फ हमारे घर का ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की छतों का। पहले जहां गर्मी के दिनों में छतों पर शाम होते ही पानी छिड़क कर रात तक गद्दियां बिछा दी जाती थी और फिर एक छत से दूसरी छत तक अंताक्षरी चलती थी, उन्हीं छतों पर आज रेत से भरी बोरियां और पानी से भरी टंकियां रखी थी। कुछ ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी इकट्ठे कर लिए थे। हमारा शहर पहले से ही 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक पुराना हिस्सा जो अल्पसंख्यक इलाका था और एक नया हिस्सा जहां अधिकांश बहुसंख्यक ही थे। बस हमारे घर के सामने एक अल्पसंख्यकों की झुग्गी बस्ती जरूर थी। जब भी राजधानी में, चाहे राज्य की हो या देश की, कोई विवादास्पद फैसला होता तो हमारे शहर में दंगे भड़क जाते। मैं कभी नहीं समझी थी इन दंगों का कारण। आखिर कल तक भाई भाई की तरह रहने वाले, एक दूसरे के त्योहारों में साथ देने वाले, खीर और बताशे बांटने और साथ में खाने वाले यकायक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे लिए एक गुत्थी थी जो आज तक नहीं सुलझी थी। दिन में भड़का दंगा रात होते तक भयानक रूप ले चुका था। धारा 144 लगा दी गई थी, फिर भी दंगा काबू में नहीं आ पाया था। मैं अपने कमरे में ही थी कि अचानक मुझे मेरे कमरे में लगे आईने में आग की लपटें दिखाई दी। एक चीख निकल पड़ी, लेकिन मेरी चीख नीचे से आती चीख में दबकर खत्म हो गई। मैं कमरे से बाहर आने का साहस न कर सकी। पिताजी और भैया छत पर आ चुके थे। पानी की टंकियां खुल चुकी थी, रेत की बोरियों के मुंह भी खोल दिए गए थे। भाई ने मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। गुड़िया, अंदर ही रहना और डरने की बात नहीं है, पिताजी और मैं हम दोनों ही छत पर हैं। मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। और माँ? माँ नीचे ही है, किसी को तो नीचे रहना भी जरूरी है ना। वैसे भी यदि आग लगी तो नीचे से ऊपर ही आएगी। ऐसे में माँ नीचे से आग पर पानी और रेत डालेगी और पिताजी और मैं छत से। लेकिन
लेकिन माँ अकेले कैसे संभालेगी? मैं भी नीचे। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, समझी ना? दीनू काका है नीचे माँ की मदद के लिए। मैं बेबसी कमरे में बैठी रह गई, आईने में आग का भीषण स्वरूप देखती रही। हमारे मोहल्ले में 2-3 घर पूरी तरह जलकर भस्म हो गए थे। आईने में दिखती ये आग की लपटें पड़ोस के घर की थी। दंगाई मशाले ले आगे बढ़ रहे थे। अब शायद हमारे घर की बारी थी कि तभी पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए आती दिखाई पड़ी। दंगाई अचानक कहीं छुप गए या शायद गायब ही हो गए। पुलिस ने हमारे मोहल्ले में ही अपनी छावनी डाल दी थी। पुलिस के आते ही दरवाजे पर होती दस्तक भी बंद हो गई थी। पिताजी, भैया और मैं, हम तीनों ही छत से नीचे उतर आए। लेकिन नीचे आते समय छत की मुंडेर से दरवाजे के ठीक सामने पड़े कटे हुए हाथ और धड़ हमने देख लिए थे। वो देख मेरा खून जम गया था। ऐसा विभत्स दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। रात आंखों में ही गुजर गई। दिन निकलने के बाद भी हम सब डरे सहमे से थे कि तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा फिर हिल उठा। इस बार मैंने पिताजी से कहा, पिताजी दरवाजे पर कोई है। सुना मैंने, तू चुप करके माँ के पास बैठ जा। लेकिन पिताजी, कोई मदद मांगने आया है। मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं? पिताजी की डांट दरवाजे की दस्तक पर भारी पड़ गई। फिर भी मैंने खिड़की का पर्दा हटाते हुए झांक कर देखा। कोई छोटी बच्ची थी, एक मैला कुचैला सा फ्रॉक पहने, जिसकी एक बांह की तुरपन इतनी उधड़ी हुई थी कि उसमें से उसकी नंगी पतली सी बांह झांक रही थी। रूखे बाल बेतरतीब से बिखरे हुए थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो बच्ची शायद सामने की झुग्गी बस्ती में रहती थी। मैंने कई बार उसे रस्ते पर गिप्पे खेलते देखा था। आज उसके हाथ में गागर थी, शायद पानी मांगने आई थी। पिताजी, कोई बच्ची पानी मांगने आई है, न जाने क्या जरूरत आन पड़ी होगी। मैंने हिम्मत करके पिताजी से कहा, लेकिन पिताजी ने अनसुना कर दिया। मेरा भी दोबारा बोलने का साहस ना हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद दरवाजे के एकदम पास से आई गोली चलने की आवाज उस सन्नाटे को चीर गई। अब पिताजी से रहा न गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सामने वो बच्ची खून में लथपथ पड़ी थी। उसे जांग में गोली मारी गई थी। वहां से खून का फव्वारा सा निकल रहा था। दूर खड़ा पुलिस वाला चिल्ला रहा था, देखते ही गोली मारने के आदेश है सर, शूट एट साइट के ऑर्डर। उस बच्ची को बाहर आने से मना किया था, बहुत समझाया था लेकिन नहीं मानी। आप भी दरवाजा बंद करके अंदर चले जाए, वरना। उसने पिस्तौल तान दी थी। हम कभी उस पुलिस वाले को और कभी उस मासूम बच्ची को देख रहे थे। पुलिस वाला ट्रिगर दबाने की तैयारी में था कि माँ ने हम दोनों को अंदर खींचा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिजाओं में जहर भरा है, दंगाई हर जगह फैले हैं। दरवाजा हिल रहा है और न जाने कितने घर, कितनी सुरुचि, कितनी अबोध बच्चियां इस दंगे का शिकार होने वाली हैं। लेकिन हम अपने घर में सुरक्षित हैं। माँ ने हम सबके लिए खाना परोस दिया है। दरवाजे पर हो रही आहट को नजरअंदाज करते हुए पिताजी ने टीवी चालू कर दिया है। टीवी पर कुछ तमाशबीन तमाशा दिखा रहे हैं, जिसमें एक जमूरा है और कई मदारी। मदारी जमूरे से पूछ रहे हैं, ए जमूरे, आ उस्ताद, जो हम बोलेंगे वो करेगा? करेगा उस्ताद, दुनिया को नाच दिखाएगा, दिखाएगा उस्ताद, फिजाओं को महकाएगा या दहकाएगा? क्या उस्ताद, जिधर ज्यादा पैसा मिलेगा उधर ईच की तो बात मानेगा ना उस्ताद? आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा की आवाज में अनघा जोगलेकर की कहानी ए जमूरे हाँ उस्ताद। ये कहानी हंस कथा मासिक के जून 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी।
सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet has a candid chat with Anshul Ailawadhi. He's the business head at MTV, Beats, VH1 and Comedy Central India. We've added another new show to our network, Probation Se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. On the first episode, Abhinav talks about entrepreneurship and all its hardships. Tune in to this Hindi language show for fresh episodes every Monday. On Shunya One, Sheila Ditya and myself are joined by Rohit Manglik. He is the founder and CEO of EduGorilla. We discuss how his journey started, what it offers to users, and why they have around 1,500 apps on the App Store. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, DJ Ashwin and Varun discuss the Azeem Rafiq racism rule, the controversy surrounding Tim Payne, and look ahead to the first India versus New Zealand test. And on Simplify, Chuck, Naren and Tony discuss the antitrust motion against Google and Simplify real-time buying for ads. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. Also do remember, go check out our website ivmpodcast.com/YouTube to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.